नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने से पहले, जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस देता हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिएगा और साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अगर आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। अब दोस्तों, लास्ट फ्राइडे में आपके सामने आया था, हम लोगों ने सैटरडे वाले दिन आपके सामने आया था, हम लोगों ने हफ्ते के लिए पूरी प्लानिंग करी थी। मैंने आप सभी लोगों के लेवल्स देके रखे हुए थे। जो मेरा उसके एक वीक पहले का एनालिसिस था, उसी सेम एनालिसिस पे मैं इंटैक्ट था इस हफ्ते के लिए भी। और आपने देखा कि हमारे जो भी टारगेट्स थे वो एग्जैक्टली पूरे किए गए, निफ्टी ने भी किया और बैंक निफ्टी ने तो जो मेरा अल्टीमेट टारगेट था वो भी पूरा कर दिया। तो अगर हम अभी देखते हैं तो हम एक ऐसे अप्रोच के साथ में ऊपर चल रहे जहां पे जब भी प्राइस ऊपर जा रही है, लोगों को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है और मार्केट यहां से गिर जाएगा। सर, मेरा कुछ स्ट्रिक्ट एनालिसिस है, मैं प्राइस को ऑलमोस्ट यू कैन से 22-25 डेज हो गया, मैं उसको अलग नजरिए से देख रहा हूं कि मार्केट इतने लेवल पे आने के बाद क्यों नहीं गिर रहा है। पॉइंट नंबर टू, मैं यहां से मार्केट को और बुलिश होता हुआ देख रहा हूं, पर उसके कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस में सबसे पहला आएगा टाइम फिल्टर। टाइम फिल्टर है मेरा ट्यूसडे। ट्यूसडे तक आपको यहां पे जिस भी लेवल पे आज बैंक निफ्टी क्लोज किया है 18,512, और बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा हेवी हो गया है, तो बैंक निफ्टी ने भी साथ देना चाहिए निफ्टी का। अगर ये दोनों चीजें होती है टिल ट्यूसडे, तो सर मेरे हिसाब से हमारे दरवाजे ऊपर के खुल चुके हैं। और कहां तक जाएंगे, कहां मैं चार्ट पे आऊंगा, मैं आपको वहां पे डिस्कस करूंगा। पॉइंट नंबर टू, अगर ये चीजें नहीं होती हुई दिखती है तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके एक बड़ी कैंडल नीचे में बना सकता है, रेड वाली। अब ये कब बनेगी वो भी चार्ट पे आऊंगा, तब आपसे मैं डिस्कस करूंगा। तो इस हफ्ते हम दिसंबर की एक्सपायरी में चल चुके हैं, और जो फ्राइडे के 25 नवंबर वाला काम है, वो 25 नवंबर वाला जो भी काम आज हुआ है, आज का काम देख के मैं थोड़ा सा खुश हूं। जो भी लोग टेलीग्राम पे है वो सारी चीजें जानते हैं कि मैंने आपको 18,500 के ऊपर में क्लोजिंग आज एक्सपेक्ट करी थी निफ्टी में। अगर होती है तो जो थर्सडे वाले दिन लास्ट आवर में शॉर्ट कवरिंग बनी हुई है वो चीज वैलिड होती हुई दिख रही है। फिर भी जो मेरे यूट्यूब के डेली एनालिसिस में है, जो प्रीमियम मेंबर्स है, जो मेरा रोज का एनालिसिस देखते हैं, उनको ये बात मैंने थर्सडे वाले दिन रात को ही बता दिया था। मैंने उनको बोला कि मुझे यहां से चीजें अच्छी होती हुई दिख रही है, पर हमको 2-3 दिन का कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। कल अगर हम वहां पे संभलते हुए दिखते हैं, ऊपर की चाल बनती है, तो आप पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। पर आज आपने देखा होगा निफ्टी में कुछ ऊपर की चाल बनी नहीं, और बैंक निफ्टी में देखिए तो खुल तो ऊपर गए थे, पर हम ओवरऑल हमने नीचे के नीचे में ही काम किया है। तो दोनों पैरामीटर के अंदर में कोई भी पोजिशन लॉन्ग साइड में लेके जाने का बनता तो है, पर मार्केट जिस जगह पे खड़ी है, आई एम टॉकिंग अबाउट पोजिशनल ट्रेड, जो सैटरडे संडे आप BTST करके गए होंगे, वो मेरे हिसाब से वहां पे लॉन्ग में पूरा नेकेड पोजिशन, मतलब मैंने कोई भी कॉल, मान लो 18,500 पे है, तो मैंने 18,500 18,400 की कॉल नेकेड विदाउट हेजिंग मैं लॉन्ग की पोजिशन लेके बैठ गया। ये वाला मार्केट इस वाले टाइम पे नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोगों ने कुछ पोजिशन थोड़ी शॉर्ट वॉट की बनाई है, जो ऑप्शन सेलिंग में है, जो लोग है वो जानते हैं। तो बाकी लोगों के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया था कि आप कोई ट्रेड लेंगे, तो बाकी लोगों ने कोई ट्रेड नहीं लिया हुआ है। अब जिस स्पीड में मार्केट ऊपर जा रहा है और जिस प्रकार की डोजी, स्पिनिंग टॉप्स, कभी हैमर, ऐसे टाइप की कैंडल बना के मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा है डेली चार्ट के अंदर में, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि आपको किसी भी टाइम पे कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि मार्केट अभी 18,500 पे है तो ये 19,800, 19,200 इन लेवलों तक भी मार्केट जा सकता है। देखो, वो चला तो जाएगा, पर आपको शायद वहां पे कॉन्फिडेंस ना आए कि हाँ ठीक है 18,500 तो है, देखो ना ये जब से 18,000 के आसपास आया है इसके अंदर में तो स्ट्रेंथ ही नहीं है, एक महीना इसने टाइम पास करवा लिया है, बराबर है। अब ये क्वेश्चन मैंने मेरे टेलीग्राम वाले मेंबर्स को पूछा था कि आप अपने आप से सवाल पूछो कि अगर मैं आपको आज बोलूं कि आपके पास में जितना कैपिटल है वो पूरा पैसा लॉन्ग साइड में पोजिशन बनाओ, क्या आप बनाओगे? मुझे पता है बहुत सारे लोगों के अंदर से जवाब आएगी, पागल हो गए हो सर आप, 18,500 पे इतना हाई मार्केट आ गया, RSI देखो, सब देखो, मजा नहीं आ रही, हम तो ऐसे शॉर्ट बना के बैठे हैं, करेक्ट? ये आप बोलोगे। कुछ चुनिंदा लोग ऐसे रहेंगे जो बोलेंगे नहीं नहीं बना सकते सर, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो ये बोलेंगे नहीं सर, पूरा तो नहीं बना सकते, पर हाँ आप बोलते हो तो 20% का इन्फ्यूजन में कर सकता हूं, मतलब अगर मेरे पास में 10 लाख है तो मैं 2 लाख के आसपास में कर सकता हूं, 8 लाख तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, करेक्ट?
अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और आपको एक मैं स्टोरी दिखाता हूँ, स्टोरी समझिएगा। बाकी ज्यादा डिटेल में तो यार बात नहीं कर पाऊंगा, उस पर आने के लिए आपको डेली मेंबरशिप में आना पड़ेगा, तो वहां पे मैं ज्यादा डिटेल में बात कर पाऊंगा। मैंने आपको एक सिस्टम बताया है मार्केट का, जो मैं टेलीग्राम पे पिछले 2 हफ्ते पहले डाला था, आई थिंक 2 हफ्ते से भी पहले डाला था, जब हम मार्केट यहीं पे कहीं काम कर रहा था यहाँ पे मैंने आपको एक चीज स्ट्रिक्टली समझाई है कि मार्केट आपको पहले एक सिस्टम में डालेगा। जैसे हम लॉन्ग में थे, आप जब भी शॉर्ट की पोजीशन बनाओ, लॉन्ग वाली मतलब शॉर्ट वाली पोजीशन ट्रैप हो जाती थी और लॉन्ग वाले बढ़िया पार्टिसिपेट करते थे। यहां पे आने के बाद मोटा मोटी आप पकड़ के चलो 31 अक्टूबर के बाद में आज 25 नवंबर, एक महीना ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मार्केट ने आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं आने दिया और पूरा दिन टाइम पास करके विक्स को उसी लेवल पर रख के आपका पूरा पैसा खाया है, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। इसलिए इस हफ्ते हम लोगों ने बहुत ही मिनिमल ट्रेड किया है, मतलब इस हफ्ते ये चाल बनने के आते हमने बहुत ही मिनिमल, तो आखिरी 15 मिनट में बनी, हमने बहुत ही मिनिमल ट्रेड लिए है और इतने छोटे ट्रेड लिए कि हम आपको भी दिखाऊंगा, शीट आएंगे आपके सामने, आप उसमें देखना कि हमने अगर स्टॉप लॉस भी खाया तो कितने छोटे स्टॉप लॉस खाया, 20 पॉइंट, 10 पॉइंट, आज हमारा स्टॉप लॉस लगा 40 पॉइंट्स का, वो छोड़ दो आप, उसको देखते हो आप एकदम मिनिमल ट्रेड, ना मंडे की दिन एग्रेसिव ट्रेड, ना वेडनेसडे वाले दिन एग्रेसिव, ना थर्सडे वाले दिन एग्रेसिव ट्रेड, कोई भी दिन हमने ट्रेड नहीं लिया है। एग्रेसिव ट्रेड हमने नहीं लिया, इसका कारण ही वही था कि मार्केट जिस जगह पे खड़ी है, इस जगह पे आप हेवी क्वांटिटी में ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते, आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, इसीलिए मैंने मेरे मेंबर्स को ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड्स दिए विद हेज, करेक्ट। अब उनको प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ आप देख लोगे, वापस सब स्क्रीनशॉट आपके सामने टेलीग्राम पे आ जाएंगे। अब मेरी बातों को, अगली चीजों को ध्यान में रखिए, ये जो भी कार्यक्रम हो रहा है मार्केट आपको पहले सिस्टम में डाल दिया कि देखो प्रणव ऐसा है, आप मुझे कहीं भी खोल लो, मैं दिन भर में कहीं जाने वाली तो हूं नहीं, एग्जाम्पल 1 नवंबर, एग्जाम्पल 7 नवंबर, एग्जाम्पल 10 नवंबर, उसके बाद में ये 11, 12, 13, 15, 16, 18, 22 और ये भी देख लो 24, और कल का सिर्फ वो एंड में चाल बनी 15 मिनट में, 3 बजे के बाद में चाल बनी है और आज फिर वही टाइम पास किया है, करेक्ट। ये आपको सिस्टम में डाल रहा और आपको कॉन्फिडेंस में नहीं आने दे रहा है। मैंने आपको एक स्टेटमेंट क्लियर बोला था, मार्क लास्ट वीक का वीडियो आप अभी भी आप मतलब यूट्यूब पे जाएंगे आपको मिल जाएगा, वहां मेरा एक स्टेटमेंट सुनिए मैंने क्या बोला आपको, मार्केट आपके आंखों के सामने से धीरे धीरे निकल जाएगी बिना किसी को बताए। पॉइंट नंबर 2, जब भी नीचे आएगी तो बाइंग आ जाएगी और क्लोजिंग इसकी बड़ी शानदार आएगी। आज भी मैंने टेलीग्राम पे एक मैसेज डाला, ऑडियो डाला, स्पेसिफिक माइंड आप देखेंगे वहां पे माइंड मिंटिंग डाला मैंने, वहां मैंने आपको बताया है कि अगर आज ऊपर से सेलिंग आई है, और प्रोफेशनल लोग हमेशा मार्केट को क्लोज करते हैं, अगर वो क्लोजिंग ऊपर की तरफ में आ रही है और 18500 के ऊपर में आ रही है, तो जो बाइंग थर्सडे की शॉर्ट कवरिंग में आई थी उसमें दम है। फिर भी एक क्लोजिंग ही आई है, अगली क्लोजिंग मंडे को आएगी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ट्यूजडे से ध्यान रखिएगा। तो अगर मार्केट अब इसके ऊपर में संभलने की कोशिश करता है, आपको शॉर्ट बिल्कुल नहीं जाना। पॉइंट नंबर 2, क्या सर हम लॉन्ग जाए फुल क्वांटिटी? बिल्कुल भी नहीं। हम कितने कैपिटल के साथ में फिर लॉन्ग जाना चाहिए? 50% कैपिटल के साथ आप लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हो। अब उस पोजीशन को जब आप बनाओगे, आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? आपका स्टॉप लॉस रहेगा, अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ, ये निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट्स का चार्ट है, ये नीचे से ट्रेंड लाइन चल रही है। जब तक ये ट्रेंड लाइन टूटती नहीं है आपको कोई टेंशन नहीं है, मतलब 18,370 आज के हिसाब से मोटा मोटी आप 18,350 राउंड नंबर ले लो, 18,350 के नीचे जब तक नहीं आता तब तक आप हेवी शॉर्ट्स नहीं जा सकते। जब इसके नीचे आ जाएगी प्राइस तो ही आपका हेवी शॉर्ट बनेगा, वरना अगर इस हफ्ते मार्केट यही पे पूरा टाइम पास करता है, ट्रेंड लाइन को टच करता है, वापस बाउंस लेता है और इसी जगह टाइम पास कर रहा है, आप कुछ ट्रेड नहीं बना सकते हेवी, फिर वो ऑप्शन सेलर जो पैसा बना रहे थे वही बनाएंगे। पर सर अगर मंडे के दिन से इसने क्लोजिंग 18,500 के ऊपर में देना शुरू कर दिया, तो आप सभी लोगों को मैंने टारगेट बताया था 18,800, पहला टारगेट इस बार मेरा अचीव हो गया, आप यहाँ पे देखेंगे मैं डायरेक्ट आपके सामने बना हुआ है, फर्स्ट टारगेट वाज 18,500, सेकंड टारगेट वाज 18,800, ये मेरा बना हुआ है। और इस हफ्ते के लिए अगर हम 18,500 को सस्टेन कर जाते हैं तो सर मेरा सामने सीधा एक टारगेट निकल के आ रहा है, दैट विल बी माय फाइनल टारगेट, आपके सामने लिख देता हूं, दैट विल बी ऑफ जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया, दैट इज द प्रणव फाइनल टारगेट,
फॉर द वीक, ये मैंने आपके सामने लगा दिया, करेक्ट। मैं अगर इस हफ्ते आपको बोल रहा हूं कि 19,000 के आपको दरवाजे दिख सकते हैं, खुल सकते दरवाजे 18,500 के ऊपर में, और अगर आप इस हफ्ते के एंड में अगले फ्राइडे तक 19,000 पे पहुंच जाते हैं किसी भी कारण से, शायद पूरी दुनिया, बाकी लोग जो शॉर्ट में बैठे हुए हैं वो सरप्राइज हो सकते हैं, पर मैं सरप्राइज यहां पे नहीं हूंगा। तो चीजें क्लियर दिख रही है सर, मार्केट अभी जिस सेटअप में काम कर रहा है, अगर मार्केट को गिरना है ये इतना ऊपर प्राइस नहीं लाता। पॉइंट नंबर टू, ये जो इसने गैप डाउन किया 10 नवंबर को, अरे जब आपको शॉर्ट करना है, आपके सामने इतना अच्छा गैप डाउन का सेटअप है, 20 का मूविंग एवरेज आपके जस्ट नीचे है, अरे तोड़ दो ना नीचे। इसके बाद में यूएस सीपीआई डेटा आया, ऊपर में चले गए, चलो मान लिया आपने ऊपर का काम यहां पे कर भी लिया। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूं, डेट हम लेके चलेंगे 10 नवंबर, आप डायरेक्ट अगर आपको प्राइस एक्शन आता है ना, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मुझे बताओ ये क्या गेम हो रहा है यहां पे, आपको सब दिखाऊंगा, अभी रिट्रेसमेंट सब सब चीजें दिखाऊंगा। आपने यहां से शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करने के बाद में आप गैप डाउन खुले, नीचे में क्लोजिंग दिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो मान लिया कि आपने यूएस सीपीआई डेटा के कारण में आपने ऊपर में खोल दिया, मैंने आपको उस दिन भी स्पेसिफिक बोला, जो डेली मेंबर से वो जानते हैं, आई थिंक फ्राइडे है ना, तो वीकली वीडियो में मैंने आपको बोला हुआ है 11 नवंबर यानी आप 12 तारीख का वीडियो देखिएगा, जो लास्ट टू लास्ट वीक का जो एनालिसिस मैंने आपको बताया, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला है कि मार्केट को बॉनविटा चाहिए, उसको एक ताकत ऐसी चाहिए कि कुछ इनफ्लो आए बाहर से और मैं ऊपर की तरफ में बढ़ना चालू करूं, करेक्ट। तो भैया जब आप यहां चले, अगर इसमें दम नहीं होता तो आप उसी दिन गिर जाते या नेक्स्ट डे गैप डाउन खोल के नीचे आ जाते। क्या मार्केट ने ऐसा कभी काम किया है जो इस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद में फॉल्स ब्रेकआउट का साइन दिया है? हाँ जी बिल्कुल दिया है। वो कौन सा दिन है? 21 नवंबर। तो सर फिर 21 नवंबर को यहां से क्यों बाउंस लिया? बताता हूं, ये देखिए अगर आपको चार्ट रीडिंग आती है आप चीजें तुरंत समझ जाएंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा रहा हूं, कितना परसेंट का रिट्रेसमेंट किया है सर? आप अपने आंखों से देखिए, बराबर जूम करके 61% का लेवल है। तो सर जब यहां से बाइंग लंबी बनी है तो सर मेरी ट्रेंड लाइन भी आप देखेंगे वहीं से बनी है, और इस रेंज के अंदर आने के बाद में इसने रीटेस्ट किया, इसलिए जो डेली मेंबर्स है वो जानते हैं कि यहां पे जो भी बाइंग हुई है उसका कारण क्या है। तो सर यहां से बाइंग बनी, अब सर जब तक जो भी बायर है उसका स्टॉप लॉस जब तक नहीं कटेगा तब तक तो सर ट्रेंड चेंज होगा नहीं। तो मान लो अगर इसने किसी ने यहां से पोजीशन बनाई है तो उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहीं पे होगा 250 या ज्यादा से ज्यादा, ये जो बड़ी कैंडल बनी इसका नीचे ले लो, अब क्या लेवल है 380। अगर आप अपनी ट्रेंड लाइन देखेंगे ट्रेंड लाइन भी 380 पे आ रही, मैंने आपको सेफर साइड के लिए 18,350 बोला है। तो सर जब तक इसका स्टॉप लॉस कटेगा नहीं तो मार्केट नीचे क्यों आएगा? नहीं आएगा तो ट्रेंड बुलिश है, व्यू आपका बुलिश होना चाहिए, उसके सेटअप के साथ में चलिएगा। मंडे को ऑब्जर्व करिए मार्केट क्या कर रहा है, ट्यूजडे से ट्रेंड चालू होता है, ट्यूजडे से अगर ये ऊपर में खींचना चालू कर देता है 18,000-19,000 मेरा फाइनल टारगेट इस हफ्ते के लिए जो मैं निफ्टी को लेके चल रहा हूं, करेक्ट। फिर भी आपको डेली अपडेट चाहिए, डेली समझना है कि मैं कैसे काम करूं क्या करूं, अपने चैनल पे आइए, आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए, आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, प्रीमियम डेली एनालिसिस एंड प्रीमियम स्टॉक एनालिसिस। डेली एनालिसिस में आपको डेली निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस मिलेगा मुझसे, रात में 9 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगा, और वहां पे मेरा डेली एनालिसिस देख सकते हैं, कल के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या लेवल्स होनी चाहिए, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक्स का एनालिसिस चाहिए, हफ्ते के अंदर में एक वीडियो आता है मेरा, तो एक महीने के अंदर में 4 वीडियो आपको मिलते हैं, जिसके अंदर में मैं आपको 100+ स्टॉक्स का एनालिसिस देता हूं, मेरा व्यू उसके ऊपर मैं देता हूं कि वो स्टॉक्स में मुझे क्या लग रहा है। उसके अंदर मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस का डेली वीडियो कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिलता है, तो आपको उसके लिए कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो आप उसके लिए देखना चाहते हो वहां जुड़ जाओ, वहां पे आपको हर चीज का एकदम इंटैक्ट इन डेप्थ एनालिसिस मैं वहां पे देता हूं, और हम वहां पे कोई फालतू की बात नहीं करते कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, प्राइस ये बोल रहे हैं, बाकी चैनल ये बोल रहे हैं, न्यूज चैनल, कुछ नहीं। मेरा जो सेटअप है वो सेटअप क्या बोलता है और मेरी लेवल कैसा काम करती है आपको तो पता ही है, करेक्ट। तो लेवल्स का मैं कुछ अपने मुंह से उसकी तारीफ नहीं करना चाह रहा हूँ, आपको लेवल पता है, मैंने भी वो मार्केट से सीखा है और उसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, मार्केट ने मुझे बताया। तो अभी मगर चार्ट को देख रहा हूँ सही ढंग से, तो सर 18,350 आपका फाइनल लेवल है, इसके नीचे निफ्टी को नहीं आना चाहिए। अगर निफ्टी नहीं आता है और 18,500 को होल्ड कर रहा है ऊपर में, अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कर लो, क्वांटिटी उसके हिसाब से सेट कर लो, ट्रेड को चलने दो। हाँ अब एक हफ्ते के लिए बता रहा हूं, आपने 25 नवंबर आ गई, इस पूरे नवंबर के महीने के अंदर में शायद आपने मेरे हिसाब से कुछ भी अच्छा रिटर्न नहीं बनाया होगा, यू कुड नॉट आई थिंक बुक मोर देन 10% ऑफ द टोटल ट्रेडिंग कैपिटल। अगर आप
सीरियस ट्रेडर है तो आप, मतलब अगर आप स्कैल्पर है तो आई थिंक आपका बना ही होगा, पर अगर आप सिर्फ ऑप्शन बाइंग सिस्टमेटिक तरीके से करते हो प्रॉपर रिस्क मैनेज करके और आपका कैपिटल 5 लाख से कम है, तो मेरे हिसाब से 10% से ऊपर आपका रिटर्न नहीं बना होगा। चलो नहीं बना, आपने पेन देखा, कुछ लोगों के स्टॉप लॉसेस कटे होंगे। इसके बाद मार्केट आज 25 तारीख है, 28 तारीख को मंडे मार्केट खुल जाएगा, 28, 29, 30 वेनसडे और 1 तारीख को दिसंबर, मैं 1 दिसंबर थर्सडे एक्सपायरी है। हो सकता है कि इस हफ्ते अगर मार्केट को रैली करना है तो आपके जो पिछले 20-21 दिन का जो पैसा आपको नहीं मिला है, मार्केट इस मंथ के एंड में जो 3-4 दिन बचे हुए ना, वो मतलब दिसंबर के स्टार्टिंग के 2 दिन, ये 2 तारीख के अंदर में आपको पूरा पैसा दे सकता है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपने ट्रेड एक बार बना लिया और वो ट्रेड आपके फेवर में चल रहा है, प्लीज डोंट बुक योर प्रॉफिट्स, कीप ऑन ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉसेस। 18,350 स्टॉप लॉस है, जैसी प्राइस ऊपर गई 18,400 कर दो, जैसी प्राइस ऊपर गई और 18,500 पे लॉक कर दो, आपकी स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। और ऊपर जा रहा 18,800 और ऊपर लेके आ जाओ 18,600, और ऊपर जा रहा 19,000, वहां पे आप एक तो प्रॉफिट बुक कर दो या वहां से अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट ला लो, मतलब ऑलमोस्ट 100 रुपए या 70 रुपए का स्टॉप लॉस ला लो। गया ऊपर तो बल्ले बल्ले, नहीं गया तो 19,000 टारगेट आ गया, अपना प्रॉफिट बुक कर लो। तो इन 500 पॉइंट के अंदर में आपको, ऑप्शंस के अंदर आप काम करते होंगे, आपको बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। प्लस जो भी लोगों ने अभी ऊपर से और कॉल शॉर्ट करे हुए हैं 19,000 के लेवल के आसपास, 18,500, 18,600 के आसपास, ये भी ट्रैप होना चालू होंगे। तो सर रैली जो बनेगी वो अपोजिट साइड में तेजी से बन सकती है। मैं ये सारी बातें तब तक वैलिड है जब तक हम 18,350 के नीचे नहीं आते, करेक्ट। तो यहां मैंने आपको मेरा व्यू निफ्टी के लिए बता दिया है। अब आप में से जो लोग मुझे मतलब एंजल वन से मेरा अकाउंट ओपन किया है मेरे लिंक के थ्रू, आपसे भी कोई ऑफर तो पता ही होगा, आपके लिए कल वीडियो आ जाएगा, सैटरडे है कल, कल आपके लिए वीडियो आ जाएगा कि इस सर्विस को कौन अप्लाई कर सकता है। एक बार आप पढ़ लो, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉज कर लो एक बार, कौन इस सर्विस को अवेल कर सकता है, क्या क्या कंडीशन है, क्या लाइव ट्रेडिंग होगी, क्या होगा, सब मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो एक बार आप देख लीजिए, अगर आपको इसका फायदा उठाना है तो मैंडेटरी आपका ट्रेडिंग अकाउंट जो है डीमैट अकाउंट, वो हमारे लिंक के थ्रू जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू ओपन हुआ रहना चाहिए, उसके अंदर में आप ट्रेडिंग करते रहना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आप नया खुलवाना चाहते हैं बिल्कुल खुलवा सकते हैं, अपना कोड है PSNSR, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट वहां पे ओपन हो जाएगा। और आप में से जो भी लोग मंथली पेड कॉल्स जो मेरे साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में काम करना चाहते हैं मेरे लेवल्स के ऊपर मंथली बेसिस पे, जिनके पास में कैपिटल अच्छा खासा 50 to 1 लाख के आसपास में है, 50,000 से 1 लाख के आसपास में, वो बिल्कुल वहां पे जुड़ सकते हैं, आराम से काम कर सकते हैं। चीजें यहाँ पे भी बहुत सारी नई नई अपडेटेड हो रही है, इसलिए चीजें मैं थोड़ा अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपके सामने धीरे धीरे अभी जो सारी चीजें ना वो आना शुरू हो जाएगी। तो उसके चार्जेस 7,500 रुपीज, अगर आप एंजल वन का अकाउंट ओपन किया आपको फ्लैट 1,000 रुपीज ऑफ है पर मंथ, यू हैव टू पे ओनली 6,500, ठीक है। यहां मैंने आपको सारी चीजें बता दिया, अब चलते बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी सर हर दिन, मतलब आप मान लो फ्रॉम 22nd, मतलब 23rd of November से ये हर दिन नया हाई बना रहा है, ऑल टाइम हाई। और इसका अगर आप चार्ट देखेंगे सर, ये ऑल टाइम हाई के ऊपर में निकल गया। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये देखो ना, ये बैंक निफ्टी ऊपर चले जा रहा है, RSI में तो डाइवर्जेंस बनना चाहिए, यहाँ पे तो ये हेवी होना चाहिए। सर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, लॉजिक बताता हूं मैं आपको। जब भी प्राइस चल रही है तो RSI का कूल ऑफ हो रहा है, जब भी प्राइस चल रही है RSI का कूल ऑफ हो रहा है, जब भी प्राइस चल रही है साइडवेज होके RSI का कूल ऑफ हो रहा है, जब भी प्राइस चल रही है RSI का कूल ऑफ हो रहा है, जब भी प्राइस ऊपर जा रही है साइडवेज होके RSI का कूल ऑफ हो रहा है। अब ये भी तो प्राइस ऊपर गई है, आज रुक गया, 1-2 दिन और रुक गया, RSI का कूल ऑफ हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा, एक बार RSI का चार्ट ओपन करके दिखाओ। ये देखो प्राइस यहां से ऊपर जा रही है आपकी, और RSI के अंदर में कोई भी डाइवर्जेंस नहीं है, लैगर्ड चल रहा है, अभी भी RSI इसने 74 बना के आया, लैगर्ड चल रहा है, अटक अटक के धीरे धीरे चल रहा है, पर उसके अंदर में डाइवर्जेंस अभी तक नहीं आया, मतलब ज्यादा हेवी नहीं हुई है बैंक निफ्टी, करेक्ट। तो ज्यादा हेवी नहीं हुई है, इसका मतलब क्या यहां से और ऊपर जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। किन लेवलों तक जा सकती है, चार्ट पे आके बताता हूँ। ये छोटे टाइम फ्रेम में आ गए हम, ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते बहुत ही शानदार काम किया है, और ये मेरा अल्टीमेट लेवल था इस वीक के लिए।
आप सभी को तो पता ही, मेरा फाइनल टारगेट आपको दिया था, यहाँ तक इसको आना ही चाहिए कम से कम 42,800, इसके ऊपर निकलती है तो इस हफ्ते का फाइनल टारगेट मेरा 43,000 था। जिस दिन एक्सपायरी थी उसके, मतलब जिस दिन एक्सपायरी थी उसके एक दिन पहले, मतलब 23 नवंबर की रात को, वेनसडे की रात को ही मैंने मेरे मेंबर्स को अपडेट कर दिया था कि अगर शॉर्ट कवरिंग कल के दिन में बनी तो मैं 43,270 मेरा लेवल है, यहाँ तक मैं आते हुए बिल्कुल देख सकता हूँ। इसलिए वहां पे लिखा भी है ओनली एक्सपायरी टारगेट इन शॉर्ट कवरिंग। तो इसने बीच में यहां काम कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट 50-60% टारगेट पूरा कर दिया, आज जो था वो बचा हुआ गैप अप में कर दिया। और आप देखेंगे सर मेरी लेवल्स, मैं मतलब क्या बोलूं आपको, मैं अपने एग्जैक्ट लेवल से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है, तो सर आपका लॉन्ग जाना इस लेवल पे तो बनता ही नहीं था। एक भी कंफर्मेशन कैंडल नहीं, एक भी कैंडल उसके 43,270 का लेवल था उसके ऊपर में एक भी कैंडल का क्लोज नहीं, और जैसे इसको रिजेक्शन मिला एक बाउंस आया और पूरा प्राइस एक्शन नीचे। यहां पे सेटअप बड़ा अच्छा बन रहा था, यहां से अगर बाउंस ले तो एक बार 43,200 के आसपास में आए। यही बात मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट करी थी कि अगर निफ्टी 18,500 के ऊपर में क्लोजिंग देता है और बैंक निफ्टी 43,200 के ऊपर में क्लोजिंग देती है तो सर फिर जो भी बाइंग बनी हुई है उस बाइंग में दम है। आज क्या हुआ, आज सर बैंक निफ्टी ने कल के क्लोजिंग के नीचे क्लोज कर दिया, प्लस कुछ नेगेटिव हुआ है क्या? कुछ भी नेगेटिव नहीं हुआ है, अभी तक कुछ भी नेगेटिव नहीं हुआ है, क्योंकि यहां से जो बाइंग बनी थी शॉर्ट कवरिंग में वो लेवल था अराउंड 42,900। आज भी इस 900 के लेवल पे आने के बाद में यहां से एक हैमर बन के प्राइस ऊपर गई, मतलब अभी भी वो बायर इंटैक्ट है। अब मेरे चीजों को ध्यान से सुनिए, अगले हफ्ते अगर हम किसी भी कारण से 42,800 को क्रॉस कर लेते हैं नीचे की तरफ में, तो बैंक निफ्टी में सर सेलिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी और फिर ये वाली जो पूरी चाल इसकी करेक्शन करेगा, इस चक्कर में ये 42,600 और ये यहां पे गैप बनी हुई 42,500 यहां तक सर बिल्कुल आ सकता है, इसलिए इस लेवल को मैं आगे खींच देता हूं। ठीक है, अब ये बड़ा बॉक्स बना दिया मैंने, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। इस वाले लेवल का सबसे ऊपर का टारगेट है 42,600 एंड लोअर टारगेट है 42,500, यहां पे गैप फिलिंग प्रोसेस हो जाएगी तो ये जो भी चाल बनी है इसकी पूरी करेक्शन खत्म हो जाएगी। पर ये कब? जब हम 42,800 को नीचे में काट रहे हैं। अगर नहीं काटे तो अब यहां पे बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। बैंक निफ्टी चूंकि बहुत लंबा चल चुकी है, ये जगह, ये यहां से लेके फाइनल टारगेट के बीच में ये वाली जगह, इस लेवल के अंदर में आपको काम नहीं करना है। अगर आप ऑप्शन बायर है, सेलर है, बढ़िया आप ऊपर नीचे कॉल पुट दोनों शॉर्ट करके आप बैठ सकते हो, अपना ट्रेड वहां पे बढ़िया कर सकते हो। पर अगर आप ऑप्शन बायर हो सर, ये लेवल कटने देना पड़ेगा, 43,250 का लेवल ले लो आज, क्योंकि अब हफ्ते भर की दो दिन की क्लोजिंग और आगे सैटरडे संडे दो दिन छुट्टी होगी, लेवल अब थोड़ा सा हमको सेफ लेके चलना पड़ेगा। 43,250 के अबाव अगर प्राइस आके ये मोटा मोटी जो लाइन बनी है ना, इस लाइन को ही मान लो आप, इसको जब तक काट के प्राइस सस्टेन नहीं होती, अब आप वहां पे ट्रेड नहीं बना सकते। आप ये चीज अपने मतलब लिख लीजिए कहीं भी, या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, इन लेवलों के बीच में आप खेलोगे आपका कैपिटल को डेंट लग सकता है। तो सर अगर इसके ऊपर में खेल रहे तो हमारा टारगेट क्या बनेगा इस हफ्ते के लिए? सबसे इजी टारगेट जो है 43,500 का है। एक मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया, यहां पे मैं लिख देता हूं लेट्स पुट इट एज अ फर्स्ट टारगेट, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट टारगेट फॉर द वीक ये मैंने बना दिया, इसको अपन कर देंगे रेड तो आपको तुरंत दिखना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, करेक्ट। और 43,750 इज द सेकंड टारगेट। सर ये तो बहुत ही ऊंचे टारगेट बन गए। बिल्कुल सर ऊंचे है ही, क्योंकि हर दिन नया हाई बना रहा है, तो जब ट्रेन ऊपर की तरफ में जा रही है तो आप कभी भी उसको शॉर्ट नहीं कर सकते। अपोजिट आपको ट्रेड खेलना है अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपकी प्राइस एक्शन उस तरफ की बननी चाहिए जो कि अभी तक नहीं बनी हुई है। फाइनल टारगेट ऑफ द वीक ये आपके सामने आ गया सर, ये फाइनल टारगेट आपके सामने आ गया, करेक्ट। अब आप ये ले लो, ये सारी जो लेवल्स है इसको मैं आपके सामने एडिट कर देता हूं, ये मैंने कर दी सारी लाइन आपके सामने एडिट। दोनों डॉटेड लाइन आपके लिए सस्ते के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर नीचे वाली डॉटेड लाइन टूटती है शॉर्टिंग आ जाएगी, ऊपर की तरफ में जाएंगे बाइंग बढ़ जाएगी। टारगेट आपके सामने बने हुए हैं 43,500 एंड 43,750, ये मेरे इस हफ्ते के टारगेट है। अब हम चलते हैं डेटा की शीट पे, ये आपके सामने आ रहा है डेटा कि इस हफ्ते क्या काम हुआ है। क्लाइंट्स ने अपने लॉन्ग कम करे हैं, इन्होंने अपने शॉर्टिंग बढ़ा दिए, बहुत ही शानदार चलती मार्केट में भैया ये शॉर्ट्स बढ़ाते हुए चल रहे हैं।
अगर ये लोग और शॉर्ट करते रहेंगे तो सर मार्केट नीचे नहीं आती। एफआई शानदार बाइंग, मैं आपको कितने बार बोला हूं, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। एफआई को माल महंगे में लेना पड़ेगा, क्योंकि जब वो शॉर्ट कर रहे थे तब भी तो मार्केट नीचे नहीं आया, तो जब ये बाय कर रहे तो मार्केट नीचे क्यों आएगा। अगर हम ओवरऑल देखते हैं, इनकी बाइंग यहाँ पे थोड़ी स्टेग्नेंट हुई है पिछले 3 दिन में, पर ओवरऑल देखते हैं बाइंग ज्यादा है, और इसने आज जाते थे थोड़ा सा अपने शॉर्ट्स अपने साथ में ऐड किए, शायद वो पोजीशन हेज वाली हो सकती है, पर ओवरऑल देख रहा हूं मैं तो ओवरऑल में सर मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नजर नहीं आती है। प्रो महाराज क्या कर रहे हैं, लॉन्ग बहुत ही कम, शॉर्ट भयंकर, शॉर्ट आज इन्होंने थोड़े से कम किए हैं, लॉन्ग उतने के उतने ही है, तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ फिर भी ये शॉर्टिंग में ज्यादा बैठे हैं। तो सर क्लाइंट भी शॉर्ट में बैठा है, प्रो भी शॉर्ट में बैठा है, डीआईज क्या कर रहे हैं, पूरा लॉन्ग कम कर दिए, इन्होंने भी शॉर्टिंग भी कम कर दिए, ठीक है इनके डेटा में इतना कुछ नया नहीं है। तो अगर मैं इन तीनों का डेटा अगर मैं देख रहा हूँ तो सर हमारा जो बाइंग पर्सपेक्टिव है ये अपने सब मैंने टेलीग्राम हैंडल पे डाला हुआ है, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्टली सर्च करिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, आपको वहां मिल जाएगा, ये सारी चीजें मैं वहां बता दिया हूँ, करेक्ट। तो अगर मैं सर अब इन डेटा को देख रहा हूँ तो डेटा के अंदर में मुझे क्या दिख रहा है, चलती मार्केट में किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, यही बात मैं आपको बोल रहा हूँ, समझे आप। वीडियो में भी कल भी मैंने जो वीडियो बनाया था डेली मेंबर्स के लिए उनको भी बताया सेम चीज, अरे जब ऊपर जा रहे हो जितनी भी सेलिंग आती सब क्यों बॉट इन क्यों हो रही है, अगर सब बॉट इन हो रही है मतलब कोई तो माल खरीद रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो भी स्टॉक जिस भी लेवल पे था जब हमने आज से 2022 में स्टार्टिंग में, अभी दिखाता हूं आपको मंथली चार्ट भी दिखाता हूं, जब हम जनवरी में इसी लेवल के आसपास में थे जहां से हमने अपनी करेक्शन चालू करी, अब मान लो वहां पे सब लोग बुलिश हो रहे थे उस टाइम पे मैंने कोई स्टॉक खरीद लिया और वो स्टॉक अभी तक पूरा लॉस में था, और जब निफ्टी वापस उस लेवल पे आ गया तो सर वो स्टॉक उन लेवलों पे आके 2-5% के प्रॉफिट में होगा, और आप अगर उस स्टॉक को काट रहे हो, यू डेस्परेटली नीड टू ज्वाइन माय वीकली स्टॉक एनालिसिस रिसर्च। अगर आप वो गलती कर रहे हो सर, आप बहुत ही अच्छी चाल मिस करने वाले हो आने वाले टाइम, मैं इससे ज्यादा आपको आप हिंट नहीं दे पाऊंगा, वरना आप भी बोलोगे सर आप तो मतलब इतना बोल रहे हो कुछ ज्यादा तारीफ ना हो जाए, बिल्कुल भी नहीं सर, जो जेन्युइन चीज है मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक को यहां काट रहे हो तो सर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। कब काटना है वो लेवल में बताऊंगा, अभी नहीं है वो टाइम। क्यों नहीं है ये देख लो सर, 2022 की जनवरी में आप कहां थे, 18 जनवरी 2022, 18,328 सर, 18,328 को तो मैंने अभी अभी काटा है, कब काटा है ये लेवल देखो सर, 328 वाली लेवल कहां गई, ये लेवल 328 कली तो कटी है ऊपर में, और आज उसके ऊपर में क्लोजिंग मिली, एंड यू आर प्लानिंग फॉर द शॉर्ट, सबसे बड़ा सरप्राइज सबसे बड़ा गेन सर। अगर यहां से मार्केट और ऊपर खींच देता है तो लोग फिर यहां चढ़ जाएंगे लॉन्ग में, लोग यहां लॉन्ग में चढ़ गए तो मार्केट फिर क्यों ऊपर जाएगा, फिर मार्केट वहां से करेक्शन करेगा। तो अगर ऐसा होता है, देखो सर मैं आपको बहुत एडवांस चीजें बता रहा हूं, अगर ऐसा होता हुआ दिखता है तो आपको कभी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, जब तक शॉर्टिंग आती नहीं है प्राइस एक्शन में, आपको पता रहना चाहिए प्राइस एक्शन में कैसे पकड़ोगे आप, लेवल मैंने आपको इस हफ्ते के लिए बता दिया है, उसके नीचे आता तो फिर तो सर थोड़ा सेलिंग तो आएगी, फिर उसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं, वो तो बना ही देगा फिर शॉर्टिंग सीधा, करेक्ट। तो जब तक वो नहीं आती है शॉर्ट नहीं कर। अब जल्दी से बाहर के मार्केट्स देख लेते हैं, ये आपके सामने आ रहे हैं बाहर के मार्केट, सबसे पहले विल गो विद द डॉलर इंडेक्स। ये सर डॉलर इंडेक्स बहुत ही शानदार तरीके से काम करते हुए, लास्ट टाइम भी यही पे आया था, और इसको मैं आपको बोला हूं कि अपनी लाइन टच होना बाकी है, आ जाएगा सर, अभी आए 2-4 दिन में, इस हफ्ते आए, कभी भी आए, एकदम सही लेवल पे, यहां से थोड़ा बाउंस भी लेगा यहां तक तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी ठीक है, बिल्कुल सही है, हमारे मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। इंडियन रुपी ऊपर की तरफ में क्या रिजेक्शन मिल रहा है, आज थोड़ी कैंडल बनी है, पर यही इसी लेवल पे .81.7 पे अटक रहा है, अटकने दो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेंट ये भी लोअर लेवल पे बिल्कुल शानदार, डैक्स धीरे धीरे और ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, 14,800 हमारा टारगेट ओपन है, बिल्कुल जा सकता है डैक्स वहां तक, कोई उसको मतलब कोई दिक्कत नहीं अगर वहां पे प्राइस आती है तो। व्हाट्स हैपनिंग इन नैस्डैक, नैस्डैक ने अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दी है, और इसी लेवल को इसने लास्ट टाइम ऊपर की तरफ में काटा था, इसको रिजेक्शन मिल गया और वापस इसके ऊपर में आया, होल्ड होना चाहिए, एक दिन की क्लोजिंग तो आ गई है, अभी 5.5 घंटे इसको बाकी है, देखते हैं इसकी क्लोजिंग कैसे आती है, फिर मंडे को इसकी क्लोजिंग देखना पड़ेगा। अब मंडे को सर इसने यहां से खींच दिया तो सर ये 12,300 इजी है, इट इज वेरी वेरी इजी फॉर नैस्डैक टू टच इन वन कैंडल और इन टू कैंडल्स एट 12,300, बहुत ही इजी है, तो ये भी सही लेवल पे। डाउ जोन्स कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, ये वीडियो ये यही कैंडल है,
जिसके ऊपर मैंने आपको बोला था स्पेसिफिकली जो डेली मेंबर्स है ट्यूसडे वाली कैंडल आप एकदम याद करेंगे, उस टाइम पे ये बियरिश कैंडल बना रहा था। मैंने आपको बोला अगर इसकी क्लोजिंग 33,700 के नीचे आ गई तो सर कल हमारा मार्केट गैप डाउन खुल जाएगा और हम सीधा नीचे की तरफ में आ जाएंगे। इसने क्लोजिंग किया पॉजिटिव, हम खुले पॉजिटिव और चलते फिर तो रैली कुछ बोलने की बात ही नहीं है, करेक्ट। अब इसकी अटकने वाली जगह फिर आ गई है क्योंकि डाउ जोन्स ने वन साइडेड स्ट्रेट चाल बनाई है और सर हमारे एग्जैक्ट लेवल से ही बनी है, करेक्ट। तो सर इसने वन साइडेड चाल बना दी है तो सर यहां पे ये थोड़ा सा रेस्ट कर सकता है। रेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, क्या दो तरीके होते हैं, एक तो ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है इसके पास ही अटक जाओ, यहां पे साइडवेज हो जाओ, या यहां से एक बार थोड़ा सा ऊपर जाओ जब सबको बुलिश लगना चालू करे यहां से करेक्शन चालू करो फिर यहां टाइम पास करो। और अगर इसने, मैं आपको बता रहा हूं, अगर अभी दोनों कंडीशन में आपके सामने रख देता हूं यहां पे बना के, देखेंगे हमारे सामने क्या बनता है, एक तो ये हो जाएगा या फिर वी विल बी लाइक साइडवेज, करेक्ट। हाँ मैं ये बोल रहा था कि अगर ये यहां से करेक्शन के अंदर में बन गया तो ही हमारे इसमें थोड़ा सा फॉल देखने को मिलेगा, और अगर डाउ जोन्स यहां पे 2 हफ्ते के आसपास में साइडवेज रहता है पर गिरता नहीं है तो भी हमारे मार्केट को कोई दिक्कत नहीं आनी, करेक्ट। तो सर सब कुछ बुलिश है, थोड़ा संभल के रहिएगा। संभल के किस तरफ में, आप समझ चुके हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। S&P 500 बहुत ही शानदार लेवलों पे अपने 200 की मूविंग एवरेज के आसपास में आ गया है, यहां से ये 4090 क्या मतलब 4100 के आसपास में बिल्कुल आ सकता है, आना चाहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे अटकेगा भी है। कॉपर एक लंबी चाल, करेक्शन फिर चाल, एक करेक्शन करेक्शन आपने खत्म कर रहा है, टाइम स्पेंड कर सकता है सर 3-4 दिन यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। रसेल रसेल इज दैट पैरामीटर जिसको आपको नाजटैक के साथ में देखना चाहिए, रसेल में भी परफॉर्मेंस कम आई है और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये लेवल जब भी कटेगी अब ये हाई 1900 में, काम करता हूँ यहाँ पे आपके लिए 1900 में हमारा लेवल बना है, 1928 पे बना है, स्टिल वी विल वेट। आप मोटा मोटी 1900 का लेवल ध्यान में रखिए, अगर हम 1900 को अच्छे तरीके से होल्ड कर लेते हैं और क्लोजिंग आ जाती है 1900 के ऊपर में तो सर आप ये हाई देखने के लिए रेडी हो जाइए 2030 का। तो सर अगर ये यहां से निकला, नास्डैक ऊपर निकला, क्योंकि तो नास्डैक में जगह है, मैं आपको दिखा देता हूं, आप नास्डैक की चीजों को समझिए, नास्डैक के पास में ये 12,300 आना है, अभी 11,700 पे है, 600 पॉइंट इसके पास में है, 500 से 600 पॉइंट है। अगर ये 500 से 600 पॉइंट चला, आपका रसेल यहां से निकल के मोटा मोटी 1900 के बाद में 1,000 पॉइंट, ये है पहला टारगेट 1960 है, तो मान लो ना आप 100 पॉइंट अगर ये चल गया यहां से तो सर हम तो 18,500 पे, हम 500 पॉइंट नहीं चल सकते। हाँ सॉरी 100 पॉइंट नहीं, 1,000 पॉइंट ना, एक्सट्रीमली सॉरी, रसेल 1,000 पॉइंट चल गया तो हम 500 पॉइंट नहीं चल सकते, बिल्कुल चल सकते सर। उसी की बात कर रहा हूं कि जब ऊपर जा रहा है किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, फिर सब जनता कूद पड़ेगी 19,000 पे, अच्छा, ये देखो 18,600 काट दिया, 19,000 पे होल्ड हो गया, नाउ लेट्स बाय। अरे दैट इज नॉट टाइम टू बाय, और अभी आपको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर नहीं समझ रहा है कौन सा स्टॉक कहाँ काटना है, वहां पर जुड़ो वीकली स्टॉक एनालिसिस में, ज्वाइन बटन में क्लिक करो, यूट्यूब को पेमेंट करो, संडे को वीडियो मिल जाएगा आपको, आप वहां पर जाके देखो फिर एनालिसिस करो कि यार मैंने पोजिशन काटना चाहिए या नहीं। बिल्कुल भी मत करो सर गलती, वरना बहुत पछताओगे। इंडिया विक्स क्या मैंने बोला आपको, इस लेवल पे इंडिया विक्स जरूर आएगा, ये इसकी लेवल थी 13.27 से मैंने लेवल शिफ्ट कर दिया था अपना 12.9 पे। मैं आपको जब भी बोला इस लेवल पे जब भी प्राइस आएगा इसके अंदर एक स्पाइक बनेगा, मतलब प्राइस आएगी टिकेगी ऊपर जाएगी, और आप देख सकते जब भी प्राइस ऊपर आई यहां पर टिको निकल गई। अब जब तक इंडिया विक्स इसके ऊपर में क्लोजिंग नहीं देता, मोटा मोटी आप ये लेवल ले लो 15.9, ये एक लाइन बना दिया मैंने, तब तक मतलब इसके ऊपर में क्लोजिंग जब तक नहीं आती तब तक मैं निफ्टी के अंदर में फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। मुझे पर्सनली लग रहा है कि अगर ये लेवल तक आ गया विक्स 16 पे, अगर आ गए हम 13.3 पे है, 16 तक इंडिया विक्स आ गया तो हम शायद 18,350 काट देंगे नीचे में, तभी ये ऊपर की तरफ में आएगा। जब तक इसके ऊपर में विक्स नहीं आता आपको शॉर्टिंग के बारे में नहीं सोचना है, करेक्ट। क्योंकि अगर विक्स को यहां से बढ़ना है तो मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, तो हो सकता है, अब मेरे स्टेटमेंट को फिर ध्यान से सुनिए, हो सकता है विक्स यहां से 2-4 दिन नीचे जाए इन लेवलों के पास। मैं आपको लेवल एग्जैक्ट बना देता हूं, ये मोटा मोटी आप ये लेवल ले लो, 11.11 ले लो यार, ये लेवल मैंने बना दिया आपको, ठीक है। ये लेवल तक हो सकता है कि इंडिया विक्स किसी दिन, जिस दिन हम 19,000 के आसपास वगैरह जाने की कोशिश करें 18,800 के आसपास, तो किसी दिन ये इन लेवलों को आके भी टच करो, फिर यहां से बाउंस लेना शुरू करें,
सर ये आने के लिए ये एक दिन में भी आ सकता है, या ये 4-5 दिन वही खड़ा होके छठवें दिन आ सकता है, काम करवा के फिर निकल जाएगा ऊपर, हो सकता है? तो अगर ये हो सकता है तो सर निफ्टी ऊपर में क्यों नहीं आ सकती, सोचो। तो ये भी आपको मैंने एक इंडेक्स बता दिया, बाहर का विक्स भी पूरा नीचे तरफ में आ रहा है, ये लेवल की 2 दिन क्लोजिंग आ रही है, अभी 4 घंटे और बचे हैं, देखते हैं कैसा काम होता है। और इनके पास में तो ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है सर, ये वाला, यहाँ तक तो फिर आ जाएंगे 19 के आसपास में, 19 ले लो, 18.60 एक लाइन बना दो यहाँ पे, हम देखेंगे फिर हमारा मार्केट और ये दोनों विक्स अगर नीचे आ रहे हैं फिर तो हम तो रुकने वाले है ही नहीं सर। निक्के रेजिस्टेंस पे है, सही लेवल पे है, रेंज बाउंड है, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड एक लंबी चाल करेक्शन आ गई है, चल रहा है, इस लेवल को रिटेस्टिंग कर दिया, प्रॉपर हैमर बना के आप यहाँ देखेंगे, ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट बन गया रेजिस्टेंस। अब ये तो 1726 योर स्टॉप लॉस शुड बी योर स्टॉप लॉस नाउ, अगर आप लॉन्ग में है टिके रहो सर, 1876 ओपन है अभी। सिल्वर ये भी सर चाल बना के रेजिस्टेंस पे, जब तक 21.7 के ऊपर में 2 दिन की क्लोजिंग नहीं आती, अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे भी एक भी दिन क्लोजिंग नहीं आई है, तो 21.7 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती आपको शॉर्ट नहीं करना है, करेक्ट? यूएस 10 ईयर यील्ड भी ठीक है, मतलब तो अभी थोड़ा सा राइज हुआ है पर ठीक है। तो सर यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है, इस हफ्ते के एनालिसिस के अंदर में आपको बहुत सारी चीजें नहीं देखनी है, वॉच करते रहना है, कल सेक्टर एनालिसिस वाला वीडियो आएगा, प्लस आपके लिए एंजल वन वाले मेंबर्स का क्या काम हो रहा है वहाँ पे, क्या करने वाले हैं हम, जो कुछ मैंने नया काम शुरू किया है, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्रेम सपोर्ट चाहिए उसके लिए। तो अगर वो चीज़ें होती है कल आपको वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा, 2 वीडियो आपके सामने आने वाले हैं। इस वीडियो को शायद आपको 2 बार देखने की जरूरत पड़े, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखने की जरूरत पड़े, तो आप जब कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा रहा है ना अपनी डायरी के बाजू में उसका टाइमिंग नोट कर लो कि 15 मिनट पे या 13 मिनट पे हमने इस टॉपिक के बारे में बात कर ली थी, और फिर आप उसको अगर रिवीजन करना चाहते हो तो उस पर्टिकुलर क्लिप पे जाओ, पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, उस क्लिप पे जाओ और उसको वापस रिवाइज करके सुन लो कि मैं उसमें क्या देखने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वो चीज बनती है हम लॉन्ग में है। पॉइंट नंबर 2, 18,500 पे खरीदा, 18,600 पे बेच देता हूं, फिर नीचे मिलेगा तो खरीद लूंगा, ये गलती मत करना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर करते हुए चलना, ये 2-3 चीज आप ध्यान रखो। डेटा सारी सारी चीजें बता दिया, बाहर के कंट्री के इंडाइसेस सब बता दिया, तो उम्मीद करता हूँ सर मैंने मेरा काम पूरा ईमानदारी से किया, आप भी वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाएंगे, चैनल को अभी तक देख रहे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है तो उन तक वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।